तो हम लोग आ गए हैं वापस और यहाँ पे हमने 3 होटल रूम्स ले लिए हैं। तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कैसा रूम है। रूम्स तो अच्छा ही है, यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, काफ़ी थक चुकी है ये भी, क्योंकि बैठे बैठे ट्रैवल करते करते काफ़ी घंटे बीत चुके हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए बेड लगा हुआ है जो कि काफ़ी साफ़ है। तो रूम जो है वो 2500 पर रूम पड़ा है। और ये देखिए मैं व्यू दिखा रही हूँ, कबर्ड है यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल भी है साथ में, वॉशरूम भी है। वॉशरूम देखिए कितना साफ़ है यहाँ पे। लाचुंग का तो इतना गंदा था कि देखा भी नहीं जा रहा था। जैसे कि बताया होगा इन्होंने कि हम लोग की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। तो ये देखिए वॉशरूम यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा है। मेरे को ये रूम बहुत ही अच्छा लगा। सामने बच्चों का रूम है, यहाँ पे स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। सब लोग रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, रेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम रेस्ट करेंगे तो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबने यही सोचा है कि तैयार होके बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, होटल से बाहर जा रहे हैं। तो होटल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो गए हैं, कुछ लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो यहाँ लग रहा है बारिश हुई है हल्की हल्की, लेकिन अब बंद हो चुकी है। और जो यहाँ हैं बच्चे अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। होटल का भी आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर से। ये वही होटल है जिसमें हम रुके हैं, गैंगटॉक रिट्रीट एंड स्पा। अब हम जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, करीब 6:30 बज चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, यहाँ की बाजार एमजी रोड जा रहे हैं। यहाँ पे बाजार है या मेन बाजार जो है एमजी रोड पे पड़ता है, मॉल रोड। जैसे कि आप हर किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो मॉल रोड ही मेन होता है, वहाँ पे जो उसका मेन बाजार या मेन मार्केट जो होती है वहीं पे होती है। वैसे तो दिन में मैं वहाँ पे एक बार चेक कर आया था, यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी है तो वहाँ जाना तो बनता ही है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट तो नहीं किया, बस खाली फ्रेश वगैरह होकर के, तो हमने सोचा आज मार्केट जरूर घूमेंगे यहाँ पे। तो अब ये मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लेंगे टैक्सी, क्योंकि यहाँ से टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर है जो मार्केट है यहाँ से। तो आप पैदल नहीं जा सकते क्योंकि चढ़ाई है, तो आप चल नहीं सकते, 100 कदम भी आप पैदल नहीं चल सकते हैं। तो आपको टैक्सी तो लेनी ही पड़ेगी यहाँ से। तो अब हम टैक्सी करेंगे और फिर मार्केट जाएंगे। तो आगे का हम आपको मार्केट में दिखाएंगे व्यू। तो सब लोग रेडी हो गए थे और अब सब लोग हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड पे, क्योंकि टैक्सी जो है होटल के पास नहीं मिल रही है, कोई टैक्सी रुक नहीं रही है। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं कि कहीं से टैक्सी मिल जाए। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ गैंगटॉक के एमजी रोड मार्केट में। तो जैसा कि मुझे डर था, मेरे जो भैया हैं बड़े भैया, उन्होंने बताया था वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि मार्केट जो है बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तो कुछ मार्केट यहाँ पे बंद होनी शुरू भी हो गई हैं। अभी तो हम लोग आए ही हैं और यही डर लग रहा है मुझे कि मार्केट, देखिए शटर भी आपको एक दिख रहा होगा कि आधा डाउन हो चुका है किसी का। तो हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं अगर कुछ नहीं होगा। और यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी है कि आगे मैं आपको दिखाऊँगी, अभी तो बहुत रश लग रहा है। तो मार्केट का व्यू आपको दिखाते हैं। सामने जो है वो गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है। मार्केट तो काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। ये देखिए जो है आधे से ज़्यादा शटर देखिए वो बंद दिख रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे आप कुछ पता कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पूरा मार्केट का आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो अंदर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी रश लग रहा है वैसे तो यहाँ पे। देख सकते हैं मार्केट बहुत सुंदर है, गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे।
यहाँ चीज़ मैंने एक और देखी है कि यहाँ पे सारी जो है लोकल शॉप्स नहीं है, सारी जो है ब्रांड की शॉप हैं, सब ने अपने अपने ब्रांड की शॉप्स यहाँ खोल रखी हैं, लोकल नहीं है। जैसे हम और जगह हिल स्टेशन जाते हैं वहाँ पे लोकल शॉप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और खाने का जो है देखते हैं अगर क्या मिलता है इधर, क्या नहीं मिलता, क्योंकि और जगह तो बस यही नॉन वेज ही और दाल चावल ही मिला है सब जगह। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं सब लोग, तो आप देख सकते हैं सब जगह जो है ब्रांड की ही शॉप है, लोकल शॉप्स नहीं हैं। खाने पीने का भी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है दिखा मुझे कि मतलब बहुत ही कुछ अलग चीज़ मिले यहाँ पे। मतलब वही आपको नॉन वेज की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलेगी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत मतलब ध्यान रखना होगा कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। नॉन वेज की वैरायटी तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी यहाँ पे, ज़्यादातर नॉन वेज की ही वैरायटी है, वेज आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं एमजी रोड पर और अधिकतर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन हमें लेट हो गया था तो, और ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ी बहुत दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ लोग यहाँ पे शेक्स वगैरह पीने के लिए अंदर चले गए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ पे तो बहुत सारी हैं शॉप्स, लेकिन कुछ क्लोज़ भी हो गई हैं। टाइम यहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस टाइम पे शॉप को क्लोज़ करना है उसी टाइम पे शॉप्स क्लोज़ होंगी, जिस टाइम पे ओपन होना है उसी टाइम पे ही ओपन होंगी। तो यहाँ का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हम लोग सोच रहे हैं जैसे कि मार्केट जो है यहाँ पे बंद होनी शुरू हो गई है, सोच रहे हैं कि हम डिनर कर लें, क्या पता डिनर भी नसीब हो ना हो। वैसे यहाँ पे मुझे पता चला है कि रोटी नहीं मिलती है, रोटी के लिए हमने एक जगह पता किया है कि रोटी मिल जाएगी, तो वो लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, पहले से ही लोग काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं। तो जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हमें रोटी नसीब नहीं हुई है, एक रोटी जो कहते हैं ना वो भी एक रोटी भी एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ है रोटी का। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले डिनर कर लें उसके बाद फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे कि शॉप्स जो हैं बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं किस रेस्टोरेंट में जाएं खाने के लिए, कहाँ जो है वो खाना ढंग का मिले हमें, तो यही सोच के हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ सब लोग साथ में इकट्ठे हो चुके हैं, हल्की हल्की सी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है कि हम सहन ना कर सकें, ऐसा है कि हम सहन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं हर जगह थोड़ा थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ रुक नहीं पाएंगे, तो एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं आगे चलते कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख जाए खाने के लिए। सब लोग देखिए साइड में खड़े हो गए हैं क्योंकि बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है होनी। अब कुछ लोग ऐसी साइड में बेंचेस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए साइड में बेंचेस हैं, मतलब जो यहाँ के साइड में बहुत सारे जो हैं प्लांट्स उगा रखे हैं, फ्लावर्स हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने पे। और यहाँ पे कोई बियर है कि यहाँ पे स्टैचू लगा रखा है, तो बच्चे यहाँ कह रहे थे कि हमें भी यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवानी है। देखिए आपको हर जगह से ब्रांड की ही शॉप दिखाई देगी, लोकल शॉप्स यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ देखिए बच्चों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रखी हैं। इससे मेरी ननद की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। गाइस यहाँ पे मार्केट में हम आए थे और मार्केट में आते आते हमें काफ़ी देर हो गई, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है कि रात 9 बजे तक जो है सारी दुकानें क्लोज हो जानी चाहिए। तो हमारे आते आते सारी मार्केट जो है क्लोज़ हो गई, तो अभी जो हम लोग ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पाए, ज़्यादा घूम भी नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअली झगड़ा करने में ही लेट हो गया।
झगड़ा तो सुनने में ही लेट हो गया। झगड़ा तो वहाँ से निकलते ही हुआ क्या हो गया था, करने में लेट हो गया। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने है ना तैयार होने में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे कैब ही नहीं मिली, और कैब की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और हम लोग 10 लोग हैं तो हमें 3 कैब चाहिए होती हैं ज़्यादा कहीं भी जाने के लिए। सिंगल कैब तो हमें मिलती नहीं है, तो इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो अब तो खैर जो हुआ सो हुआ, अब आए हैं मार्केट में लेट हुआ, जो भी हम लोग यहाँ कवर कर पा रहे हैं हमारी कोशिश है। हमें कुछ इतना वैसे अच्छा नहीं लगा कि वैसे कोई खास कोई वो स्पेशल भी नहीं है, बट ठीक है जैसा भी है, अपनी अपनी इसके एडवांटेज लग गई यहाँ पे शॉप। और हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो हम चाह के भी यहाँ रुक नहीं सकते। अब हम यहाँ से निकलेंगे और डिनर करते हुए सीधा अपने होटल पे जाएंगे। तो अब लोग हम अंदर ही जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो में कि हम लोग लड़ रहे थे तो हमारा झगड़ा हो गया था आते टाइम पे। ये देखिए बारिश दिख रही होगी आपको फर्श पे। झगड़ा तो सभी में होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो होता ही है, लेकिन बाद में हम एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो यहाँ हम बैठे थे गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे इतने ज़्यादा खट्टे थे कि मतलब एक जो हमने गोलगप्पे की बाइट ली तो एकदम मुंह ऐसा खट्टा सा हो गया। तो हमने किसी तरीके से गोलगप्पे खाए कि चलो खा लेते हैं गोलगप्पे, क्योंकि खाना हम लोग खा चुके थे। हम लोगों ने बिरयानी ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी गंदी थी, मतलब अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने सोचा चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, तो गोलगप्पे भी इतने खट्टे थे कि वो भी मुंह में नहीं रखे जा रहे थे। तो अब लोग हम लोग बैठ के निकल चुके हैं वापसी के लिए टैक्सी में। तो अब हम लोग होटल पे वापस आ चुके हैं और ये सुबह का टाइम है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी सब्जी सबको सर्व करी गई है, तो सबको यहाँ पे सर्व हो गया है और सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे। सब लोग रेडी होके बैठे हुए हैं, सुबह जब जल्दी ही सब लोग रेडी हो गए थे। तो यहाँ मेरा बेटा पूरी सब्जी खा रहा है। तो आलू की सब्जी थी जो कि मसाले थोड़े कम थे, लेकिन जो ब्रेकफास्ट था वो सही था, इसके सिवा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो अब लोग हम यहाँ से जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के बाद छांगू लेक और बाबा मंदिर जा रहे थे, बाबा हरभजन सिंह के मंदिर। तो ये देखिए रास्ते में बारिश हो रही है, और यहाँ पे आने से पहले हमारे जो यहाँ का जो ट्रैवलर था, जिसने हमारा जो प्लानर था बुक किया था, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उससे हमारा झगड़ा हो गया। वो कहने लगा कि मैं जाऊँगा नहीं, आप लोग लेट हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा। तो इस पर भी हमारा झगड़ा हो चुका कि अगर और वैसे ही फिर वो बोलने लगा कि आप पैसे दे दो, नहीं जा रहा तो नहीं जाओगे। तो हमने कहा जब हम लोग जा ही नहीं रहे हैं तो आपको पैसे किस बात के दे दें।